मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों, आप देख रहे हैं दिल की आवाज़। और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूं वाहिद हाशमी। आज हम यहां आटी नगर दिनूर मेन रोड के पास आए हुए हैं हमारे एक मुइनुद्दीन अली खान साहब के घर पे आए हुए हैं। बिल्कुल आज इस रमज़ान के आखिरी अशरे में जो रमज़ान मुबारक जो ख़त्म होने वाला है, हमारे जो मुइन भाई जो पीस फॉर ह्यूमैनिटी हिब्बाल के जो प्रेसिडेंट हैं और बहुत अच्छे एक सोशल वर्कर हैं, वो अपने कुछ चंद दोस्तों को, एक 15 या 20 दोस्तों को एक छोटी मोटी एक इफ्तार की छोटी दावत कर रहे हैं, छोटी दावत की है। चलिए आज इनसे पूछते हैं इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ शफी भाई हैं, हमारे भाऊ भाई हैं जो एक्स काउंसलर कैंडिडेट हैं आटी नगर के, और हमारे पास यहाँ अयूब भाई हैं, हमारे पास शामिर भी हैं, और हमारे पास यहाँ पर पीस फॉर ह्यूमैनिटी के हिब्बाल के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सादात भाई हैं, और उनके बेटे जबी भाई हैं, और हमारे पास अकरम भाई हैं, इरफान भाई हैं, चलिए शकील भाई हैं। चलिए इन सब लोगों से पूछते हैं हमारे मुइन भाई के साथ कि इनकी दिल की आवाज़ क्या कहती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। चलिए हम सुनते हैं मुइन भाई की दिल की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सारे हिंदुस्तानी के भाई, पहली बात, ये जो रमज़ान पहले जैसा जो गुजरना था उस तरीके से नहीं गुजरा, बहुत दुख की बात है पहली बात। दूसरी बात, आज ये आखिरी अशरा, ये अलविदा रमज़ान, मतलब ये आखिरी जुम्मा मिला हमारे को, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे पूरे भाइयों को लेके मैं एक इफ्तार पार्टी करूँ। तो मेरे दिल ने ये कहा कि आखिरी अशरे में आखिरी जुम्मा मिली है, तो मैं मेरे पूरे भाइयों को लेके आज इफ्तारी मनाने के इंतज़ाम। चलिए हमारे यहाँ पर एक बाऊ भाई है, बाऊ भाई की दिल की आवाज़ सुन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मोइन साहब के बर्थ कैंसिल प्रेसिडेंट के घर पे आए थे, हम इफ्तारी की पार्टी रखे थे, सब मिल के भाई हो इफ्तारी की पार्टी होने के बाद इंशाल्लाह पार्टी को खुश। चलिए शाहरुख भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज मोइन भाई की इफ्तारी पार्टी का क्योंकि पहले तो हर साल में जगह जगह में होता था इफ्तारी की पार्टी, आज ऐसा माहौल हो गया कि किसी के घर में जाके करना पड़ रहा हमारे इफ्तारी की दावत है, मुझे बहुत खुशी हुई। अयूब भाई। अस्सलाम वालेकुम। मुइन भी हमारे दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, जिन्होंने आज इफ्तारी की पार्टी जी माशा इंशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। रमज़ान का आखिरी दिन है भैया। यहाँ पर मुइन भाई के बेटे हैं रयान, चलिए इनकी दिल की आवाज़ सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज इफ्तार की दावत थी, अब्बू रखे सब कुछ, अब्बू के पूरे फ्रेंड्स आए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबको दुआ करो, सबको दुआ करो और पूरे इंडिया के। माशाल्लाह। यहाँ पर एक शामिर भाई हैं, चलिए इनकी दिल की आवाज़ सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको तो आने वाली ईद की ईद मुबारक इन एडवांस। आज हमें हमारे मोइन, हमारे दोस्त सोशल वर्कर, उनके पास इफ्तारी की दावत थी, इफ्तारी की दावत को आए, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। चलिए हमारे सादत भाई की दिल की आवाज़ सुन। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त मोइन भाई साहब का एक पार्टी थी छोटी इफ्तार जुमातुल विदा की, इसमें हमारे बहुत सारे साथी मिलकर सब हमें वो उसके दुआ में शामिल है। अल्लाह ताला आइंदा साल भी ऐसा पार्टी देकर हमें खुश रखे, कितनी दुआ करता। चलिए जबी भाई के दिल के वसूल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज खुशी की बात है कि आज हमारे मुइन भी एक हिब्बाल के मिनोरिटी प्रेसिडेंट आज इफ्तारी पार्टी को अपना दावत दिए थे। अल्लाह करे उनकी हर मेहनत कबूल करे, उनका हार्ड वर्क कबूल करे और सबकी अल्लाह हिफाजत फरमाए। चलिए हमारे अकरम भाई की दिल के वसूल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक दुख की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ान जैसे मुबारक महीने से आज हम आखिरी जुमा विदाई की नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ नसीब हैं। जैसा भी था लॉकडाउन की वजह से मस्जिदें खुले नहीं हैं, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इबादत को कबूल फरमाए। इसी हाल में मोइन भाई हमारे जो पीस ऑफ ह्यूमैनिटी और टिप्पू सुल्तान की जो ट्रस्ट है जो सोशल सर्विस दिए हैं, उस हिसाब से अल्लाह उनको जजाए खैर दे, अल्लाह उनको उनकी मेहनत में अल्लाह उनको कामयाब अता फरमाए, और हम लोगों को आज एक
छोटी सी दावत कर उन्होंने बहुत एक अच्छा काम किया है, हमें बहुत खुशी हुई। फिर भी अल्लाह उनकी मेहनत को कामयाब करे, ये दुआ करते हैं अल्लाह उनको हर एक चीज़ से हिफाजत करे और सारे आलम को इस कोरोना कोविड से कोविड-19 से हम सबको हिफाजत करे। दिलीप फन भाई की दिल क्या वो सुन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज बहुत एक तो जुमातुल विदा है, आखिरी अशरा है और हमारे मुइन हमारे मोहल्ले के सोशल वर्कर मुइन पीस ऑफ कम्युनिटी के लीडर हैं, मेंबर हैं, उन्होंने पार्टी रखी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई पार्टी अटेंड करके। अल्लाह हमको जुदा खैर अदा फरमाए। शकील भाई की दिल की आवाज़ सुन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं अपने मुल्क के सभी भाइयों से और बहनों से ये इल्तिजा करता हूँ कि ईद जिस तरह से हम हर साल मनाते हैं उस तरह का मौका नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाए तो एहतियातन कर लें। और मोइन के लिए मैं बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको ऐसे ही बरकरार रखे, उनकी मेहनत को अल्लाह ताला देखे और उस मेहनत का अजर अता फरमाए और उनको सेहत याफ्ता करे और उनके बच्चों के लिए वो जब तक बच्चे एक मुकाम तक नहीं आते तब तक भी जो है वो उनका साया बनकर रहे। आमीन। जिसा कि दोस्तों आपने यहाँ पर मुइन भाई की दिल की आवाज़ सुनी और हमारे सादत भाई की, जबीर भाई की, अकरम भाई की, शाहरुख भाई की, बहू भाई की, शकील भाई की, सब लोगों की आपने दिल की आवाज़ सुनी। यहाँ पर ये लोग जो है हमारे मुइन भाई के लिए दुआएं दे रहे हैं, मुइन भाई की सलामती की दुआ कर रहे हैं क्योंकि मुइन भाई ये जुम्मत जो आज जुमा अलविदा जो जुमा हुई है रमज़ान मुबारक के पाक महीने की, इसमें ये बहुत मुख्तसर लोगों के लिए एक छोटी सी इफ्तार की दावत रखे थे। तो चलिए हम भी अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुइन भाई को खुश रखे, सलामत रखे। जो भी इन्होंने एक छोटी सी जो दावत को अपने दोस्तों को बुला कर की और इसके इस दावत के सदक़े में अल्लाह पाक इनकी हर जायज़ तमन्ना को पूरी करे, इनके हक़ में खैर के फैसले करें। और ये भी दुआ करते हैं कि और यहाँ पर कुछ लोगों ने गम का इजहार किया है ईद की नमाज को लेकर और रमज़ान के महीने को लेकर। चलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस बीमारी का जल्द से जल्द खात्मा कर दे और ये सब लोग आपको रमज़ान मुबारक कह रहे हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं, तो हम भी आपके लिए ईद मुबारक कहते हैं। चलिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी एक अच्छे इंसान की दिल की आवाज़ के साथ। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। जय हिंद। जय कर्नाटका।